देखा ना बहुत प्रोग्राम पूरे देश में आप देखते होंगे बहुत मौत भी करता होती है, हमेशा डांटते भी हैं और रोकते भी हैं। कई जगह कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ये होगी कि पूरी तरीके से आपका इंटेलिजेंस फेलियर, आप इसको चाहे आज एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। हमने 3-4 लाख की रैलियाँ की हैं, बड़े बड़े आयोजन किए, प्रोग्राम किए, हमने राजस्थान का आंदोलन देखा जिसमें 73 लोगों की शहादत हुई। जब इंटेलिजेंस का आपका ये कहना था कि 1000 से 1500 लोग इकट्ठे साल भाई तो या मैं आपने अपनी बात में सुन ली थी भाई वो उसमें स्थिति क्या ज्यादा से जब हम वहाँ पर आ रहे थे क्योंकि हम तो गेस्ट के रूप में आए थे 50 दिन तक जो लड़के दिन जागरण चला है उनकी वहाँ पे क्या स्थिति हो रही थी, वो लोगों से क्या बात रख रहे और फिर लोगों के मन में क्या बात है, वो आपको इंटेलिजेंस को भी बताना चाहिए क्या मन का भाव क्या लेकर आ रहे हैं लोग। जब वहाँ पे आए तो आप किसी भी व्यक्ति का एक आपको तो मैं कहता हूँ किसी को बोला तो आपने एफआईआर नहीं है तो उसका इकट्ठे होने कोई मायने नहीं। हमने ये बात बोली, मैं 1.5 घंटे खुद भीड़ के अंदर अंदर बीच में बैठा रहा हूँ, 1.5 घंटे खुद नीचे बैठा और सबको रोक कर रखा। आप ईमानदारी से बताइए इतने सारे लोग बैठे हैं दूसरे लिए भी पता नहीं बैठे हैं। उस समय पर प्रशासन की जो आसपास की व्यवस्था थी, आज 4000 पुलिस है आपके पूरे यहाँ चंबल संभाग में आपके लिए कप्तान साहब और अलग अलग जगह आपने तैयारी की। लेकिन इस तरह की घटना जब वो मीरभोज जी वाला प्रकरण हुआ, 3 लगी वहां पे, उसके बाद मैं आया था एक बार और बीच में, मैं भी आया था उसके बीच में तो मैंने देखा उस दिन भी आपका फोर्स का इंतजाम Thank you.